तो इसको भरते हैं, फिर भेजते हैं घर, और जो घर में टैंकर रखा हुआ उसको वापस बुलाते हैं यहाँ दुकान, फिर उसको भरेंगे। डैडी के लिए लस्सी लेके जा रहे हैं, गर्मी में लस्सी का मज़ा ठंडे के साथ। तो ले लिए हैं हम साबूदाना के पापड़। हेलो दोस्तों, तो कहते हैं आप सब, दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? अभी हो रहा दुकान चलने का टाइम, दुकान जा रहे हैं, टैंकर भी भेज रहे हैं घर में, चलते हैं दुकान खोलते हैं, टैंकर वगैरह भरते हैं, लड़कों को बुलाते हैं, टैंकर में सुबह के घर भेजते हैं और दुकान खोलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी के साथ, फ्रेश मन के साथ, और आपको भी फन कराते हैं और आपका माइंड फ्रेश करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ, एंजॉय करो यार। चलिए चलते हैं दुकान। खुल चुकी है दुकान, एक शटर खोल ली है, एक अभी लड़के लोग आएंगे तब खोलेंगे। करते हैं पोर्च चालू, देखते हैं टैंकर कितना भरा है और फिर उसको भर के भेजते हैं घर। तो चलते हैं पीछे और देखते हैं पोर्च को खोल के और टैंकर को देखते हैं कितना भरा हुआ है। चालू कर दिया है पोर, ये खड़ा हुआ है टैंकर, सटक लगी हुई है, देखते हैं पानी आया कि नहीं आया। चालू तो हो गया है लग रहा है हमको, हो गया है बोर चालू, देख रहे होंगे आप, आधे से ज़्यादा ही भर गया है, अभी तेज चल रहा है। देखते हैं अगर आधे पौन घंटे या एक घंटे करीब बोर चल गया तो ये सारा भर जाएगा और कम से कम घर को पानी चला जाएगा, तो सब कुछ भर जाएगा घर में। तो इसको भरते हैं फिर भेजते हैं घर, और जो घर में टैंकर रखा हुआ उसको वापस बुलाते हैं यहाँ दुकान, फिर उसको भरेंगे। टैंकर जा रहा है घर, भेज दिया इसको, क्योंकि पता चला कि 10 बजे लाइट जाने वाली है, जो पंखा भी चल रहा है 10 बजे से नहीं चलेगा, तो उसके अनुसार भेज दिया है टैंकर को घर, जल्दी खाली हो जाएगा। गर्मी के दिनों का टाइम पास है ये, BGMI और फन और मौज मस्ती सबका टाइम पास है ये। तो अभी चलते हैं घर, बज रहा है 12:30, नहाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने भी चलना पड़ेगा। आ चुके हैं घर, चलते हैं नहाते हैं और नमाज़ पढ़ने चलते हैं। शायद भाई साहब आ गए हैं भेड़ाघाट वाले, घूमने घूमने के लिए आए थे, बैठने के लिए, चलते हैं उनसे भी मिलते हैं, नहाते नमाज़ पढ़ने चलते। डैडी के लिए लस्सी लेके जा रहे हैं गर्मी में, लस्सी का मज़ा ठंडे के साथ। हमारे बिलाल भाई अपने हाथ से मुंह धो रहे हैं, अच्छे से धो लो, अच्छे से बस हो गया, चलो रहने दो, अच्छा ठीक है, तुम पानी वो करोगे बस। अरे बढ़िया रे भाई, खुद ही नल चालू कर लेते, खुद ही बंद कर देते, खुद ही मुंह धो लेते, चलो आ जाइए, चलिए 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 चलिए, धूप है, धूप दौड़ लगाइए। बिल्ली मौसी दूध पी रही है, पी लो बेटा पी लो। नहा चुके हैं, कपड़े वगैरह पहन चुके हैं, टोपी भी लगा ली है, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अजान अभी नहीं हुई है, होने वाली है, तो गाड़ी उठाते हैं और समय पे निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तैयार हो गए हैं सब कुछ, तो जल्दी से फटाफट से चलते हैं नमाज पढ़ने चलते हैं। भैया जा रहे हैं जबलपुर तो अपन को बैठना पड़ेगा, लड़का भी साथ में जो आरिफ रहता है वो भी जा रहा है, ठेलिए एलिए वगैरह कुछ लाना है, तो अपन चलेंगे दुकान नमाज पढ़ने के बाद, अभी तो चलते हैं नमाज पढ़ने। कितनी तेज धूप है भाई, गाड़ी देखो धूप में खड़ी थी तो छाए में कर दिया है भाई, बहुत धूप है यार। आ चुके हैं मस्जिद, भैया यार इतनी जोर से लपट लग रही है, इतनी जोर से आँच लग रही है कि सहन नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी से चलते हैं मस्जिद के अंदर। सोकर उठ चुके हैं, अभी बज रहा है 3:30, चलते हैं दुकान, काम तो है नहीं, तो चलते हैं लड़कों को लेके गेम खेलेंगे वगैरह, और गाड़ी भी नहीं है, डैडी ले गए दुकान, दुकान से चले गए कहीं, तो चलते हैं अपन पैदल पैदल लड़कों के साथ और गेम खेलेंगे, नमाज पढ़ने आएंगे 5 बजे करीब, तो चलते हैं धूप में सर ढाँक के क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अभी बज रहा है 6:00, लगा रहा है ताले, उस तरफ के लग गए, इस तरफ के लगाते हैं, चलते हैं घर क्योंकि रोज़े का टाइम भी होने वाला, 1/2 घंटे बचे हैं, दुकान करा है बंद, जा रहे हैं बस स्टैंड घूमने के लिए, मैं और साहिल, भाई साहब और बिलाल आगे निकल गए हैं, साबूदाने के पापड़ वगैरह कुछ लेना है तो वो भी लेंगे और घूमेंगे थोड़ा, जब तक टाइम होता रोज़ा खोलने का, इफ्तार करने का, तब तक सैर करते हैं और थोड़ी इंजॉय करते हैं।
भाई साहब अब लाल जा रहे हैं। मम्मी कर रहा तो ले लिए हैं हम साबूदाना के पापड़, चलते हैं इसको मम्मी को देते हैं और अपन वुजू करके और कपड़े बदल के होते हैं रेडियो चलते हैं रोजा खोलने के लिए क्योंकि समय हो रहा है, तो जल्दी से पहुंचते हैं घर। अरे मोनू भैया घूम रहे हैं देख रहे हैं, अब जाके अकेले खाएंगे। कहा वापस भी रोजा खोलने का टाइम हो रहा है बड़े बड़े साबूदाना का पैक। हमारे सोनू भैया ये घूम रहे हैं, जल्दी चलो भैया नमाज का टाइम हो रहा है। जाइए जाइए घूमिए खा पी के आइए, हमारे लिए भी ले आइए का पैक कर। दूध बना के हो गए हैं तैयार, अफ्तारी और पानी ले लिया है, चलते हैं क्योंकि टाइम खाली 5 मिनट बचा हुआ है। आ चुके हैं मस्जिद, अफ्तार ले आए हैं, चलते हैं सबके साथ शामिल होते हैं अफ्तार में। और रोज़ा खुलता है तो रोज़ा खोलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के और रोज़ा खोल के आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं बस स्टैंड, किसी को पैसे देने हैं। भैया का फ़ोन आया था जबलपुर से, फ़ोन लगाए थे तो चलते हैं उसको पैसे देने, फिर आके कुछ खाते हैं, फटाफट से चलते हैं। जबलपुर से आई हुई हैं ये ठिलियाँ, भैया जी सीसी का काम करते हैं उनमें ये सामान वामान माल ढोलने के लिए लगती है, तो उन्होंने भेजा था इसको लेके चलते हैं घर। आ चुके हैं बस स्टैंड से, ठेले वगैरह जो लाए थे वो सब रख दिए हैं, खाना भी खा चुके हैं। पीजिए मैं नहीं खेला आज क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तरोताज़ा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बने रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि लिटिल खालन के ब्लॉग में नए और बेहतर कंटेंट आ सके। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।